होना चाहिए. एवरी ईयर देर इज सम और अदर सॉर्ट ऑफ टेरिटरी जहां पे कुछ ना कुछ कंटेंशन होता है. अभी महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो है वो बहुत टाइम से चल रहा है. एंड नाम पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट कर दो दो तीन लोगों को. डू यू ने एनीवन हैज एनी आइडिया द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट इज अंडर कंटेंशन बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका? कमेंट बॉक्स में लिख देना. आई थिंक कमेंट बॉक्स एक्टिव है. एंड रिमेम्बर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ दैट डिस्ट्रिक्ट इज नॉट समथिंग स्मॉल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट. करेक्ट. बेलगाम. राइट. वाई बेलगाम इज इंपॉर्टेंट? कुछ कल्चरल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसका? अरे मॉडर्न इंडिया. नो वन पॉलिटी में मॉडर्न इंडिया भूल गया? ऐसा हो गया क्या? ठीक है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग याद होगा. सो एक अकेला किसी ने सेशन लिया था 1922 में. रिमेम्बर एक अकेला कांग्रेस का सेशन किसी पर्सनालिटी ने लिया था. वो लिया था बेलगाम में. अभी भी नहीं? थोड़ा बहुत तो हिट करा होगा. कुल देखो डिस्कशन टैब ओपन है. अभी भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं. सो हाँ, गांधी जी का इकलौता आईएनसी सेशन हैज बीन टेकन एट बेलगाम इन 1920s, राइट, बिफोर ही वेंट टू जेल. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ सिग्निफिकेंस विद बेलगाम, व्हिच इज आल्सो अ कंटेंशन एरिया बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. सो टॉपिक पे वापस आते हैं. अगेन ये किसी और टेरिटरी की बात कर रही है. नॉट मच इम्पोर्टेंट. व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट इज कि रिजॉल्व कैसे होते हैं डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स. सो वी हैव जुडिशियल रिट्रेसल आर्टिकल 131. सो 131 में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है. राइट. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है व्हेन देयर इज अ कंटेंशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट्स या स्टेट वर्सेस स्टेट. राइट. दिस इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? बिकॉज देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंस केस या इंसिडेंट्स दिस ईयर. आई डोंट थिंक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. जिसको भी कंफ्यूजन है उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा. बट राइट नाउ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से ये समझो सू मोटो केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास. राइट. सुप्रीम कोर्ट कैन टेक इट. या सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट पर्सन वेयर यू कैन फाइल योर केसेस. जस्ट लाइक वेन यू फाइल योर केस यूजिंग आर्टिकल 32 इन जुडिशियल रेमेडीज. राइट. वेन अ फंडामेंटल राइट ऑफ योर्स हैज बीन ब्रीच्ड. सो यहाँ पे एक है जुडिशियल रिट्रेसल विच इज आर्टिकल 131. इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263. एज आई ऑल्सो डिस्कस 262 पहले आता है. उसमें वॉटर डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन का मेथड देके रखा है. राइट. सो पहले वॉटर आता है फिर इंटर स्टेट आता है. थोड़ी सी डिफरेंट ऑर्डरिंग है बट रिमेम्बर. राइट. सो आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल रखेगा. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रिमेम्बर पुंची कमीशन करके एक कमीशन थी जिसने कुछ रिकमेंड करा था आईएससी से रिलेटेड. आईएससी हैज बीन सॉर्ट ऑफ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ कोचिंग्स. दे डू आस्क कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है. सो इसमें चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, राइट, इन तीनों के अलावा एक और इम्पोर्टेंट मेंबर होता है विच इज योर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर. वो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते हैं. सो एक बार कॉम्पोजिशंस देख लेना. देन वी हैव जोनल काउंसिल्स. ये स्टैचुटरी बॉडीज होती है. सो वाइल वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड
we have a constitutional body, now we have a constitution, sorry, we have a statutory body, which is under States Reorganization Act of 1956. अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स यहाँ पे देखे रखे हुए हैं, अगेन आई विल से कि देख लेना कहाँ पे क्या क्या है. व्हाई? बिकॉज इट मे हैपन दैट दे मे आस्क सम क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड रीडिंग द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कीवर्ड मे रिजेंबल कि वो साउथ से है या फिर वो नॉर्थ से है, राइट? सो ऐसे में अगर आपको आइडिया रहेंगे कि प्लेसेस कहाँ कहाँ पे आते हैं, you may be able to resolve it. For example, in 2023, there was a prelims question which was about some Buddha site which had Ataka at the end. So I did not solve it, but the people who did, they actually resolved it through Karnataka. That it has Ataka, so it probably is a southern site, and it did came out that it was indeed a southern site, right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जोनल काउंसिल्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं? नो नीड टू रिमेंबर, ओनली यू नीड टू रिमेंबर इसकी चेयरपर्सन होता है यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ एवरी जोनल काउंसिल. यहाँ पे पांच देखे रखिए, एक छठी होती है नॉर्थ ईस्टर्न, अगेन वो स्टैट्यूटरी नहीं है, इससे प्रूव हो जाता है बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर. सो देयर इज अ सिक्स्थ जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न वन, अगेन का भी सिग्निफिकेंस जोनल काउंसिल जितना ही इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं जो आंध्र प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश वाला इंसिडेंस है, वो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न के जोनल काउंसिल में. ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी एडिशनल पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर एक्सेप्ट फॉर द टेरिटरीज दैट हैव बीन मेंशन्ड, राइट? व्हाई आई एम अगेन फोकसिंग ऑन टेरिटरी, इसका एग्जाम्पल है यही इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट. एज आई सेड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 266, बट यू नो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हैज बीन इन न्यूज फॉर सो लॉन्ग, एंड इफ यू टेक आउट प्रीलिम्स क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज है इट हैज बीन अ PYQ नंबर ऑफ टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल मालप्रभा, फॉर एग्जाम्पल घटप्रभा, राइट? जितनी भी टेरिटरीज आपको याद आ रही है, भीमा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा वाज अगेन अ PYQ आई थिंक 2 years बैक, राइट? मूसी आई डोंट थिंक वाज अ PYQ, बट हाँ घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, दे ऑल हैव बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर PYQ, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इफ यू सी दैट देयर इज अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंट, राइट, फीचर या रिलीफ विच हैज बीन मेंशन्ड, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेना है कि उससे रिलेटेड क्या क्या आपको पता होना चाहिए. सो जैसे वो साइट्स थी उसका हमने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज बार बार यूज में आएंगे. खैर वापस से आए तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में उसने पूछा है. सिंपली वो पूछ रहा है क्या क्या मैकेनिज्म्स है. सो वी हैव 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्टेट लिस्ट एंट्री 17, राइट? सो वाटर के बारे में जब भी आता है स्टेट बनाएगा उसके ऊपर लॉ. स्टेट जब लॉ बना रहा है सो वाटर सप्लाई, इरिगेशन कैनल, ड्रेनेज एम्बैकमेंट, वाटर स्टोरेज, इन सब पे बनाता है. वाटर स्टोरेज वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं पे स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कावेरी, राइट? कावेरी, अब इसका फ्लो आपको पता होना चाहिए. इज इट गोइंग इन टू बे ऑफ बंगाल और कावेरी डज नॉट फॉल इन बे ऑफ बंगाल? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? मैप भी सामने बना हुआ है. व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट डू कावेरी फॉल इन बे ऑफ बंगाल और नॉट? कमेंट्स में बताओ, डू यू थिंक इट गोज इन बे ऑफ बंगाल? डिस्कशन है ना? ठीक. एंड रिमेंबर हियर द स्पेलिंग ऑफ कावेरी व्हाट दे हैव रिटन इज नॉट एक्यूरेट. द कावेरी दैट इज जनरली डिनोटेड इज फ्रॉम दिस नेम, राइट? ये जो कावेरी इन्होंने लिखा हुआ है, दिस आल्सो वाज एक्चुअली अ PYQ बट इन स्टेट PSC. सो दो स्टेट PSC इस कावेरी के बारे में पूछ चुकी है. जो नर्मदा है इट हैज अ ट्रिब्यूटरी विच हैज एग्जैक्टली द नेम ऑफ कावेरी, राइट? एंड अगर हम नेशनल सिग्निफिकेंस पे बात करें सो कावेरी जनरली ये लोग लिख देते हैं, बट इट इज द स्पेलिंग एग्जैक्टली इज कावेरी, राइट? एंड UPSC कभी भी कावेरी और कावेरी में कंफ्यूज नहीं करेगा, वो हमेशा जब भी कावेरी पूछेगा द स्पेलिंग वुड बी CAUVER, राइट? खैर ठीक है,
स्टेटलेस में से बता रहा था, वाटर स्टोरेज इश्यू होता है कि जहां एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जारी होती है, द स्टेट में होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, राइट, तो दूसरे स्टेट को प्रॉब्लम आ रही है, तो एक एग्रीमेंट में आएंगे कि आपको इतना इतना पानी छोड़ देना चाहिए, राइट, एंड दिस इज वेयर द डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कम अप. देन वी हैव आर्टिकल 262. यहाँ पे पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, बट उसने टेम्पररी हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को पावर दे के रखी थी. अब उसके अलावा दे हैड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, विच वॉज पास इन द आर्टिकल 262. रिवर बोर्ड एक्ट था 1956 का, अगेन इट वॉज सेट अप अंडर आर्टिकल 262, राइट. एंड जब एक और लॉ अभी वो बना रहा है, विच वॉज इन न्यूज इन 2023, राइट, जब तक वो बिल एक्ट नहीं बन जाता तब तक उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं. एक्ट बन गया, जब तक वो मोशन में नहीं आता तब तक उसको साइड में रखते हैं. ठीक है, अभी के लिए जितनी भी आपकी वाटर डिस्प्यूट हो रही है, दे हैव बीन एम्पावर्ड टू बी ट्राइड अंडर 136, तो सुप्रीम कोर्ट, अगेन सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आता है. देन वी हैव नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, एक वाटर पॉलिसी चल रही है कि दे विल ब्रिंग, 2022 में पहला ड्राफ्ट आया था नई वाटर पॉलिसी का. व्हाई वी नीड पॉलिसी, बिकॉज इट एड्रेसेस कि हमें कितना परसेंट सेव करना है, कितना परसेंट अनट्रीटेड लेफ्ट करना है, राइट, एंड विद द क्लाइमेट इश्यूज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो वाटर पॉलिसी के अंदर जनरली दे टेल कि हाउ यू हैव टू मेंटेन द रिवर या जितना भी आपके पास वाटर है उसको. देन यूनियन लिस्ट एंट्री 56, अगेन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस स्टेट लिस्ट, वी आर नाउ सीइंग दैट यूनियन लिस्ट में भी आता है, बट यहाँ पे इंटर स्टेट रिवर्स को ही अकेला वो ट्रीट कर सकता है. सो कावेरी का मैनेजमेंट किसके अंदर आएगा, जब भी ऐसा इश्यू आए अगली बार पेपर में देखना, इज द कावेरी बीइंग ट्रीटेड इन दैट पर्टिकुलर न्यूज या इन दैट पर्टिकुलर इश्यू एज अ इंटर स्टेट रिवर और एज अ रिवर इटसेल्फ. अगर वो रिवर इटसेल्फ है तब स्टेट लिस्ट उसको देख रही है, अगर वो इंटर स्टेट रिवर के तौर पे देख रहा है देन इट इज एंट्री 56 एंड दिस बिकम्स अ टॉपिक फॉर मेंस. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज अ लिटिल सिग्निफिकेंस. Then there are international rules such as Helsinki rules of 1966, Campo and consolidation of ILA rules. Then there was a Shimla conference, right? जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया बैठे थे, and then they had divided the Indus Valley या Indus River system, right? Then they are mentioning about SYL canal. SYL canal because this was what primarily was in the news. पढ़ना है SYL कैनाल, नहीं छोड़ देना, बिकॉज ये पढ़ के आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, है ना, द द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट मच, बट यू नीड टू रिमेम्बर दैट द SYL और सतलज यमुना लिंक दैट दे आर टॉकिंग अबाउट हैज पंजाब एज इट्स पार्टी. सो इट इज एडवाइसेबल कि आप एक बार सतलज यमुना लिंक कैनाल जो कि प्रपोज्ड है, राइट, जो कि प्रपोज्ड है, उसको देखे किन किन स्टेट्स के बीच में शेयर हो रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन जुडिशरी इटसेल्फ. सो बिफोर आई प्रोसीड अहेड, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, जब जुडिशरी की बात आती है, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, हु इज मोर इंपॉर्टेंट मेंबर या मोर इंपॉर्टेंट फिगर, आई विल रीफ्रेम, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट में से कौन सा इंपॉर्टेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट फिगर है व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल इश्यूज या जुडिशरी इटसेल्फ, राइट, जजेस हो गए, एडिशनल जजेस हो गए या ये सब हो गए. ग्रेट, इट इज इंडीड प्रेसिडेंट, राइट. सो प्रेसिडेंट क्योंकि अपॉइंटमेंट करता है, गवर्नर स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, स्टेट लेवल से यहां पे मेरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट जजेस, राइट, स्टेट के हाई कोर्ट में, वहां पे तो चीफ जस्टिस और जितने भी आपके हैं वो तो प्रेसिडेंट ही देखता है. देन इन जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैड अ प्रीवाईक्यू इन 2020 व्हिच वाज अबाउट सर्टेन बिहेवियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस है उनको रिलेटेड एंड द नंबर ऑफ जजेस. सो डिस्पाइट द अपॉइंटमेंट is vested in the hands of president, jo number hai, that is controlled by the parliament, right? Now, Supreme Court ka kyun news mein tha? Is
पर्टिकुलर इशू को याद में रखना, बिकॉज इट वॉज हियरिंग अ कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट एन इनऑर्डिनेट डिले बाय द सेंटर. तो वी हैव बीन सीइंग दैट जजेस के अपॉइंटमेंट प्रपोजल भेज रहे हैं, बट द सेंटर इज टेकिंग टाइम टू आइदर एक्सेप्ट और अमेंड. एंड इवन इफ आफ्टर दे आर नोटिफाइंग वेदर दे हैव एक्सेप्टेड और डिक्लाइन, दे आर सेंडिंग बैक डिलेड एंड विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन, राइट. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बिकम्स अ वेरी मेजर इशू. जजेस थ्रू अ कॉलेजियम होते हैं, वी नो देयर इज आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ये स्टेट के लिए है. अगेन मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को डील कर रहा हूँ, तो स्टेट वाला सेक्शन में ना बोलू, ऐसा मत सोचना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्योंकि थोड़ा सा स्पीड रन कर रहे हैं इसलिए अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, राइट. ये अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? सो देयर आर फर्स्ट जज केस, देयर इज अ सेकेंड जज केस, देन देयर इज अ थर्ड जज केस, थ्री जज केस, राइट. दीज ऑल केसेस प्रोड्यूस्ड फाइनली कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे होगा, विच इज देयर वुड बी अ कॉलेजियम वेयर वी हैव अ सीजीआई, देन वी हैव फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट एट द टाइम, राइट. एंड दिस कॉलेजियम वुड रिकमेंड टू प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट वुड बी अपॉइंटिंग द अफोरमेंशनड एडवोकेट person whoever they have recommended for, right. This is what the collegium process is. Iska sabse bada challenge ek amendment tha, theek hai, jisse NGAC la rahe the, news mein rehta hai, which is the constitutional amendment which was being proposed NGAC ke liye, National Judicial Appointment Commission committee. It was in the third judge case that उसको फिर हमने tackle करा था. There is a constitutional amendment. Great. 99th Constitutional Amendment Act. ठीक है, so इसके through NGAC लाए थे, Supreme Court ने उसको struck down कर दिया, saying that it breaches the doctrine of basic structure. Why? Because doctrine of basic structure में एक important principle है separation of powers. So, अगर सेंटर दैट इज एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटिंग जुडिशरी, कहीं ना कहीं आप जुडिशरी को सेपरेट नहीं कर रहे हो एग्जीक्यूटिव से. सो इसलिए उसने इस पर्टिकुलर एनजीएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था इन द जज केस. एंड अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है वो चल रहा है, विच हैज बीन फॉलोड और विच हैज बीन फॉलोड फ्रॉम 1993. द ओनली चेंजेस पहले तीन रहते थे, फिर उसके बाद उसको फोर कर दिया. दैट इज ऑल बाय आफ्टर थ्री जज केस, राइट. अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, एज आई सेड सीजीआई और दो अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एंड दे वुड बी प्रपोजिंग किस किस को हाई कोर्ट जज के तौर पे अपॉइंट करना है टू प्रेसिडेंट. और सीजीआई के लिए देयर यूज्ड टू बी नो कन्वेंशन, सॉरी देयर यूज्ड टू बी अ कन्वेंशन, देयर इज स्टिल अ कन्वेंशन. रिमेंबर हु विल बिकम सीजीआई इज स्टिल अ कन्वेंशन कि द सीनियर मोस्ट जज वुड बी अपॉइंटेड. इट वॉज ब्रीज वेन इंदिरा गांधी वॉज देयर, तो उन्हें इमरजेंसी के दौरान थोड़ा सा जब उनको करना था, तो उन्होंने सीजीआई का जो एक पर्टिकुलर कन्वेंशन उसको अवॉइड करा था. दैट वॉज द ओनली केस वेयर वी सी द पर्टिकुलर कन्वेंशन ड्रॉ. बट एज आई सेड दिस इज अगेन अ कन्वेंशन. नो स्टैच्यू या नो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सेज कि सीजीआई शुड बी द सीनियर मोस्ट जजेस. ठीक है, सो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया दैट सीनियर मोस्ट जजेस सीनियर मोस्ट जज को ही बनाना है, सीजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट बिकम्स रॉन्ग. अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अपॉइंटिंग ऑफ जजेस. सो देयर इज अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. सो मेमोरेंडम प्रोसीजर क्या है? दिस इज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, वेयर जुडिशियरी प्रपोज करता है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड डू एन इंक्वायरी, एंड आफ्टर इट हैज सीन दैट सब बढ़िया है, इट वुड रिकमेंड द कैंडिडेट जुडिशरी बैक, राइट. दिस इज वॉट द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज. याद रखना इस प्रोसीजर को, ऑल दो आई वुड नॉट रिकमेंड यूजली, बट बिकॉज दिस इज वॉट द न्यूज इज, राइट. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है. अगेन जुडिशरी सजेस्ट गवर्नमेंट इंक्वायरी बाय यूजिंग आई बी, सब बढ़िया, नो ऑब्जेक्शन, एवरीथिंग क्लीन या मोस्टली क्लीन. द गवर्नमेंट वुड रीइटरेट द collegium recommendation, who would be which would be going to president, and president would be appointing them as judges. Ye hai memorandum of procedure.
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें फॉर अपॉइंटमेंट, तो सिंपली एक तो है आर्टिकल 124 क्लॉज 2, वेयर सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखो यहाँ पे भी उन्होंने नहीं दिया है कलेजियम सिस्टम होना चाहिए, एज यू कैन सी देयर इज नो कलेजियम सिस्टम मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ देयर इज आर्टिकल 217, अगेन देयर इज आर्टिकल 217 व्हिच इज रिलेटेड टू योर स्टेट। अभी के लिए स्किप कर देते हैं, आप खुद से एक बार पढ़ लेना। प्रोनाउंसमेंट की बात करें तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। एज आई सेड थर्ड में उन्होंने 99th चैलेंज हुआ था, और ये उसके भी थोड़े से आसपास की मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन जो है, राइट, क्या वो सीजीआई की ओपिनियन इटसेल्फ है, राइट। फिर सीजीआई ने कलेजियम सिस्टम को रिकमेंड करा था, इट सेट कि नहीं कलेजियम सिस्टम रहेगा, अकेले एक सीजीआई जो बोल रहा है वो हम कंसल्टेशन नहीं मान सकते, राइट। देन सेकंड जज केस क्या था, फर्स्ट जज केस क्या था, अपने एक्सपेंस पढ़ लेना, नॉट मच इम्पोर्टेंट। थ्री जज केस रखोगे इट इज वेरी गुड, आर्टिकल याद रखोगे, और इसमें जो मैंने बोला अगेन अगेन कलेजियम मेंशन नहीं है इसको याद रखोगे, दैट वुड एड यू मच मोर बेटर, राइट। आगे चले, सो देयर इज एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। सो जो एनजीएसी था ना, जिसको कहीं ना कहीं पे काटा गया, जिसको गवर्नमेंट जिसको जुडिशरी ने बोला वॉइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, सो उसका आज एक नया नाम है विच इज AIJS, विच इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। अभी आप देखोगे तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देर इज अ जुडिशियरी एग्जाम, राइट। हम तो सब ये सोचते होंगे कि कभी ना कभी तो आया होगा कि हम जब जुडिशरी पढ़ रहे हैं तब तो सब चीजें प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट पे कर रहा है, सो जुडिशरी एग्जाम दे कौन लोग रहे हैं, राइट। इट डजेंट मेक सेंस कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट इन जुडिशरी इटसेल्फ। सो ऐसा नहीं है, अगर आप जुडिशरी एग्जाम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे, सारे के सारे जो रिक्रूटमेंट वहां पे होते हैं वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट, जिसके लिए एक कमीशन बनी गई है, ठीक है। एंड दिस इज वॉट इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज ऑफ जुडिशियल एग्जाम, ठीक है। सो ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होती है जुडिशियल एग्जाम की मोस्ट स्टेट्स में, जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जजेस को रिकमेंड करा जा सकता है, उसके नीचे भी हो सकते हैं, तो सेशन कोर्ट्स के लिए हो सकता है एक अलग से केस हो, सॉरी अलग से एग्जाम हो, राइट। रेवेन्यू कोर्ट आई थिंक, मुझे स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, पर रेवेन्यू कोर्ट भी आई थिंक डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर में उससे नीचे आता है, वहां पे भी वाया एग्जाम रिकमेंड होंगे जजेस, राइट। सो दिस इज वॉट द जुडिशरी एग्जाम कम्स इन टू एक्शन। AGIS क्या है, इट्स ए सिंपली टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर ऑल स्टेट। सो बोल रहा है बिकॉज मोस्ट स्टेट्स में हो रहा है, वाई डोंट वी मेक अ यूनिलैटरल एग्जाम, विच बेसिकली मीन्स कि आप लाइक सिविल सर्विसेज दोगे, लाइक सिविल सर्विसेज आपका सिलेक्शन होगा, लाइक सिविल सर्विसेज आपका कहीं लवासा में या सॉर्ट ऑफ सिमिलर जगह पे ट्रेनिंग होगी और फिर आपको स्टेट्स में भेजा जाएगा, राइट। सो AGIS हैज बीन प्रपोज अगेन एंड अगेन, द फर्स्ट प्रपोजल केम इन 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स इन 1958। इतना है बस याद रखना, 14th रिपोर्ट ऑफ LCI या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली कौन से नंबर की रिपोर्ट आई है, या रिपोर्ट नंबर पता है कितने के ऊपर चल रहा है? आई वुड टेक एनी रैंडम फिगर, याद रखना 200 याद आ रहा है, 100 याद आ रहा है, जो भी फिगर याद आ रहा है तो आप वो फिगर एक बार कमेंट में लिख दो। डू यू नो विच नंबर ऑफ रिपोर्ट वॉज रिसेंटली प्रोड्यूस्ड? ठीक है, इतना भी ठीक है। सो ग्रेट जॉब नंदिका, यू आर वेरी क्लोज, राइट। अभी पर मैं वो नंबर देके कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ यू आर वेरी क्लोज, एंड या इट इज मोर देन 250, 300 टच नहीं करा है, 250 के ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज वाई यू नीड टू रिमेम्बर कि 14th रिपोर्ट कितनी पुरानी होगी, इट इज इन 1958 व्हेन दिस रिपोर्ट केम एंड सजेस्टेड AIJS। कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 312 है, ठीक है। व्हाट इज आर्टिकल 312, पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यार, बहुत यूज्ड आर्टिकल है 312। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पता होगा, वो थोड़ा सा कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको याद नहीं आ रहा है।
Great, indeed. So Article 312 is about creation of a All India Services, right? Rajya Sabha jab decide karega, so it would pass a particular proposal aur usse hamara ek separate AIS start ho jayega. Great job, right? So Article 312 ke through kar sakte hain, which was made through 42nd Amendment ke through, humne AIJS ko usme include bhi kar liya tha, right? Again, there are two more articles that they have said, again on state level, 233 and 234 for the district judges ke appointment. And then, jo selection process hai, main pehle discuss kar chuka hun, public service commission hogi aur high court hoga, jo saath mein exam karate hai states. Theek hai, aage chalte hai. अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज लीगल एड. सो इसमें एक बात याद रखना, लीगल एड के क्वेश्चंस अगेन जो कोचिंग्स पेपर बनाते हैं वो खूब देते हैं. यहां से कुछ समझ में ना आए एक बार पेपर लगा लेना कोचिंग्स के, आपको उसमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू और अच्छा समझ में आ जाएगा. पहले हम इस छोटे से बॉक्स को देखते हैं, तो NLSA की बात करते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो आ गई, बट ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर आई या किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के कारण आई, राइट? देयर वाज सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच हैज इनेबल्ड अस टू ब्रिंग दिस NLSA. आइडिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? गुड, 39A which says free legal aid. तो कहीं ना कहीं वो एक enabling factor है behind Legal Services Authorities Act 1987. Composition क्या है? So patron in chief आपके chief justice of India होंगे, right? And retired or serving judge of Supreme Court would be the executive chairman, right? So it is a highly centralized, एक तरीके से देखें, because both are Supreme Court judges, right? So एक centralized sort of mechanism है. And again, because national level की तो centralized तो होना ही पड़ेगा. फंक्शन हुई है फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं वीकर सेक्शन को. एंड जो एलिजिबल लिटिगेंट्स है, दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, मैंने यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है. नाउ आपके सामने देके रखा हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है. कैन यू टेल मी कि ये जो दो बड़े पॉइंट्स है इनको देख के आप कुछ एक सिंपल सा बना सकते हो? I would say principle कि हाँ इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए या ये particular category या vulnerability है which is being targeted over here. थोड़ा सा tough है, remember what I am here challenge is something very different. जब prelims में question आया था ना, बहुत सारे लोगों का गलत गया था, कुछ लोगों का सही गया था including me. Why it went right? Because we were able to target कि वो क्या पूछना चाहता है ना. गुड, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी तो उसने यहीं पे पहले ही कर ली है. ग्रेट जॉब इंडीड, क्योंकि सोशल यहां पे वो टारगेट करके बैठा ही हुआ है. सी व्हाट डज पहला वाला पॉइंट सेज, इट सेज वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, सोशल हो गया. मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स, सोशल हो गया. इंडस्ट्रियल वर्कमैन, सोशल हो गया. पर्सनल डिसेबिलिटी, अगेन सोशल हो गया. तो मतलब आपके SJE वाले जो है वो तो सभी ही आ गए. अगले उसमें जाए, सो इट सेज लेस देन द अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे उसने 5 लाख रुपए देके रखे हुए. तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको एक बड़े सिंपल सेंस में देखें, इट सेज कि जो इकोनॉमिकली वीक है, राइट, है ना, हाँ, EWS, नाइस. सो जो कहीं ना कहीं EWS है उनके लिए प्रोविजन है, राइट? आगे चले, सो लीगल एड की डेफिनेशन है, इट इज सिंपली अ फ्री लीगल सर्विस व्हिच इज गिवन टू पुअर एंड नीडी पीपल, राइट? एक बार LSA एक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है. सो देखो, LSA एक्ट 1987 में आया था, इसमें नालसा आता है, इसमें सालसा आता है, इसमें DLSA आता है. नालसा थोड़ा सा हमने एक्सपेंसिव वे में पढ़ लिया है. देन वी हैव स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या सालसा, एंड वी हैव डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. अगेन ये अपने अपने लेवल पे एस्टैब्लिश होंगे. एक लोक अदालत है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दिस इज एन ADR मैकेनिज्म विच इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. ADR का सिंपल मतलब ये है,
कि लिटिगेशन बहुत है कंट्री में, कितना लिटिगेशन है, फिर से मेंस का हो जाता है, जिसको नहीं आता ना, रिमेंबर व्हाट आई एम आस्किंग, आई विल से स्पेसिफिकली आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए, नहीं आता है तो वो थोड़ी सी चिंता की बात है, बट उसके अलावा जितना मेंस वाला है अगर वो नहीं आता कोई बात नहीं, अपन मेंस में कर लेंगे, है ना। सो माय क्वेश्चन हियर इज सिंपल, कितने केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में या ओवरऑल कोर्ट में, कुछ अगर आइडिया हो तो। बहुत कम है, नॉट मोर देन 30 लाख। मतलब किसी ने जॉली एलबी 2 नहीं देखी, जॉली एलबी 2 में एट द एंड व्हेन द जज मेक्स अ कमेंट, वो वहां पे करोड़ तो मेंशन कर ही देता है, राइट। थिंग इज कि इंडिया में सिंगल डिजिट पे करोड़ में आप पेंडिंग लिटिगेशंस, सो ऐसे में एडीआर इज अ वेरी वेरी नेसेसरी प्रोविजन, वेरी नेसेसरी प्रोविजन। एंड उसमें एक इंपॉर्टेंट है लोक अदालत, ठीक है। एडीआर का एक और मीनिंग क्या है, देखो एक तो आप समझ गए दैट इट इज सॉर्ट ऑफ अ पैरेलल लाइन टू रिजॉल्व अ सर्टेन इशू विच इज योर ज्यूडिशियल इशू ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। दूसरा, जब हम एडीआर बनाते हैं तो उसमें जो रेजोल्यूशन मेथड होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा, इसको भी याद रखना, दैट इज व्हाट इज ऑल्टरनेटिव। अगर वो ऑल्टरनेटिव नहीं होता, वो सिंपली एक सिंपल मेथड होता तो किसी स्टैच्यू में आके खत्म हो जाता या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू गाइड होता, नहीं। अगर वो एडीआर है तो जनरली देयर विल बी प्रोविजंस व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी जनरली फॉलो। फॉर एग्जांपल, एक ना एविडेंस एक्ट है, ठीक है, एक एविडेंस एक्ट है 1872, उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो कभी भी एडीआर पढ़ो, रिमेम्बर एडीआर का मीनिंग है ये, इसमें कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा जो उसको सेपरेट करता है आपके जुडिशियल या लीगल मेथड से, राइट। देन वी हैव पैरालीगल वॉलंटियर्स, अगेन उसका प्रोविजन है किस में, एलएसए एक्ट में, याद रखना 1987 में। सो लोक अदालत देख लिया, नालसा सालसाटी डालसा देख लिया, नाउ वी आर सीइंग पैरालीगल वॉलंटियर्स, राइट, जिनका काम क्या रहता है, असिस्टिंग द वेरियस लीगल सर्विस अथॉरिटीज एंड द लोक अदालत, राइट। It's like internship for advocates. Then we have Supreme Court Legal Services Committee, right? Again, ये committee है जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया, क्या Chief Justice उसका pattern रहता है, एक sitting judge of SC या retired judge of SC becomes the executive chairman, and then there are 9 other members. Composition याद ना हो तो भी चलेगा. Then we have Disha Scheme. ये उसके अंदर part नहीं आता, ये बता रहा है कि Disha Scheme करके भी एक provision है या एक सेपरेट स्कीम है विच इज विथ एलएसए हेल्पिंग अस टू रिड्यूस द लिटिगेशन इन कंट्री। तो ये क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने टू क्रिएट अवेयरनेस टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, इट बॉट दिशा स्कीम। एक आपका चल रहा है जुडिशरी का टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, राइट, टेकिप नहीं है वो, इट इज ई कोर्ट सर्विस मिशन, राइट। सो एक ई कोर्ट्स करके सेपरेट चल रहा है मिशन, वो क्या है, वो एक गवर्नमेंटल स्कीम है वेयर यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल बूस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोर्ट्स। अब अगर कोर्ट्स को ये सब मिल गया तो कहीं ना कहीं इनको कभी ना कभी कंफ्यूजन्स तो होंगे, बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो हो सकती है, तो इसलिए एक दिशा स्कीम भी है वेयर यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू to guide through the technology so that a judicious use of technology ka for judiciary. ये Disha scheme किसने introduce करा, Department of Justice ने। इसके अंदर कुछ component है जैसे न्याय बंधु है, तो ये क्या करता है, pro bono legal service का एक national wide आपका portal सा बना देता है जिसमें आप connect कर सकते हो लोगों से। Tele law है, तो आजकल जो कहीं ना कहीं पे हम देखते ना various लोग है जिनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है फॉर आस्किंग हेल्प, अब अगर वो गांव से है सो दे हैड टू टेक दैट एक्सपेंडिचर टू, उसकी जगह पर ने क्या करा, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके गांव में बनाए गए हैं, राइट, उसको यूटिलाइज करते हैं टू प्रोवाइड टेली लॉ। देन वी हैव लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम,
वेयर वल्नरेबल सेक्शंस को दी जाती है इंफॉर्मेशन. सो अगेन ये पैरा वॉलंटियर्स की तरह है जो जा जाके लोगों को बताते हैं कि आपको ये राइट्स है और ये एंटाइटलमेंट है, अगर कहीं ब्रीच हुआ हो सो यू कैन कम टू अस. देन वी हैव न्याय मित्रा स्कीम, अगेन अ स्कीम लॉन्च इन 2017, थोड़ा सा कम सिग्निफिकेंस बन जाता है, पता हो तो ठीक, ना पता हो तो भी बढ़िया. एंड देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम, तो वही है, अगर आप मिडिल इनकम में आते हो तो आपको एक हेल्प मिलेगी फ्रॉम मॉनेटरी बेसिस, राइट. आगे चलिए, सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया, रिमेंबर है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया, 39A डिस्कस कर चुके हैं, वेयर इट्स द प्री लीगल एड. क्या है ये, या आर्टिकल कौन से ग्रुप में आता है, फंडामेंटल राइट है क्या है? डीपीएसपी है, आर्टिकल 2022, सॉरी 22 वी हैव डिस्कस बिफोर आल्सो, इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है, जहां पे एक लीगल रिप्रेजेंटेशन आपको लगेगा व्हेन यू आर डिटेन या इम्प्रिजन. देर आर सम केसेस दैट दे हैव मेंशन फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, अभी याद कर लोगे तो बेटर रहेगा. एक एमएच हॉस कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये इम्प्लिसिट एस्पेक्ट है आर्टिकल 21 का, एंड हेंस जो राइट टू फ्री लीगल एड है वो ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की, एंड इसका 1987 में वो एक्ट आता है. तो 78 में केस आता है, 87 में वो एक्ट बनता है. देन वी हैव खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना, हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें क्या हुआ था? सो अगेन सिमिलर केस ही है, एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में था, एक स्टेट ऑफ बिहार में था, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे दोनों आगे पीछे थे. कोई सा एक आपको जो भी याद हो रहा हो उसको आप मेंशन कर देना मेंस के आंसर्स में, ठीक है. आगे चलते हैं मीडिएशन एक्ट. सो एज आई सेड मोर देन करोड़ केसेस है, राइट, विच आर पेंडिंग इन इंडिया, ऐसे में एडीआर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो उस एडीआर के पर्सपेक्टिव में इंडिया ने अभी मीडिएशन एक्ट 2023 को फाइनली पास, मतलब बिल को पास करते हैं, प्रेसिडेंट ने अब उसको एक्ट बना दिया है. पहले एडीआर के बारे में देखे, सिंपली बिना ट्रायल के पीपल कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, उन्होंने बोला है रेफर इंफोग्राफिक्स. तो देखो देखो क्या होता है, 5 टाइप्स ऑफ एडीआर. इंडिया में 3 मेन है आपको याद रखना, एक तो मीडिएशन है, एक आर्बिट्रेशन है, ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने कंसोलिएशन नेगोशिएशन लेके रखा है. सो इंडिया में कंसोलिएशन एक एडीआर है, रिमेंबर कंसोलिएशन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, राइट. इन्होंने कोलाबरेटिव लॉ और नेगोशिएशन देके रखा हुआ है. अब देखो ये पांचों जो वर्ड्स है, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए, बिकॉज जो वर्ड्स है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. क्या करते हैं, मीडिएशन है, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं दो लोग बीच में है, मतलब दो लोगों के बीच में केस चल रहा है, एंड देन देयर वुड बी अ पर्सन हु वुड कम एंड रिजॉल्व इट, राइट. ये जो पर्सन मैं बुला रहा हूं ना, डू नॉट टेक इट कि ये कोई अपॉइंटेड पर्सन है, ये आपका सोसाइटी हो सकता है, सोसाइटी अपॉइंटेड कोई पर्सन हो. सोसाइटी से मेरा मतलब सोसाइटी है ना, नॉट एनी जुडिशियल सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी से कोई पर्सन हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, राइट. देयर कुड बी एक्स वाई जेड हु कैन कम एंड रिजॉल्व योर डिस्प्यूट, दिस इज व्हाट मीडिएशन इज. आर्बिट्रेशन में देयर वुड बी अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, सो ये एजेंसीज है जिनके पास आर्बिट्रेटर्स है, जिनको भेजा जाएगा सो दैट दे कैन हेल्प इन कमिंग टू अ डिसीजन. और कॉन्सिलिएशन क्या है, सो थर्ड पार्टी आएगी, ठीक है, ये दोनों से कम्युनिकेट करेगी और सेटल करेगी. दिस इज समथिंग जो कि आपने बहुत ऑफन देखा होगा इन फॉरेन या फिर इन हॉलीवुड टीवी सीरीज या मूवीज, यू नो वेयर, जहाँ पे दोनों एक टेबल के आजू बाजू में दोनों लोग बैठ जाते हैं, एंड देन दे एक्सचेंज राइट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. सो वो जो प्री प्रोसेस है दैट इज कंसिलिएशन, वेयर देयर इज ऑल्सो न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो कि कम्युनिकेट करता है कि वॉट आर द इंफॉर्मेशन सेटलमेंट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल. वाइल आर्बिट्रेशन में एक पर्सन अलग से आ रहा है हु इज स्पीडिंग अप द केस, ठीक है, उसको कम फर्क पड़ रहा है कि क्या क्या हो सकता है, रादर वो अभी जो आपके पास प्रोविजन है उन्हीं में वो कोशिश कर रहा है दैट यू गेट एन फाइनल वर्डिक्ट
एज सून एज पॉसिबल. कंसिलिएशन अलग अलग मेथड्स सर्च कर रहा है. एंड मीडिएशन में देयर कुड बी सम अदर पर्सन हु या सम अदर फैक्टर दैट वुड एनकाउंटर द पर्टिकुलर टसल एंड रिजॉल्व इट. नेगोशिएशन सिंपली पार्टीज एक दूसरे से करती है एंड देन फिर वो जाके बता देती है जिसके अंदर भी केस चल रहा है दैट वी डोंट वांट टू परस्यू इट फर्दर. एंड फाइनली देयर इज कोलैबोरेटिव लॉ. सो इसमें क्या करेगी, एक अटर्नी होगा जो दोनों की तरफ से आता है एंड देन दे वुड बी सेइंग कि जो अब ये करेगा करेगा, वी डोंट नीड टू लिटिगेट फर्दर. राइट, दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ एडीआर दैट दे हैव मेंशनड. इंडिया की बात करें तो 1996 में एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट था, उसका फिर अमेंडमेंट होता है 2019 में टू एस्टैब्लिश आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके थ्रू जिसके अंडर एजेंसीज बनेगी. राइट, देन LSA, वी सॉ लोक अदालत, ADR एंड अदर नालसा सालसा एंड डालसा. देन वी हैव न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर. सो ये क्या है, यहाँ से आप एक बनाओगे सेंटर जहाँ पे प्रोफेशनल्स ट्रेन होंगे, जो भी एडवोकेट है वो जाएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे एंड देन दे वुड बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आर्बिट्रेटर्स. एंड देन वी हैव अ कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जाता है विदाउट गोइंग मच पब्लिक. इस सब में इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिसा, लिखा तो सिंगापुर कन्वेंशन ऑफ मीडिएशन है बट आई एम कॉलिंग इट यूनिसा. सो जो यूनाइटेड नेशंस का सेटलमेंट एग्रीमेंट है या फिर जो उसके इंटरनेशनल कन्वेंशन है यूनिसा, दैट इज हेविली बेस्ड ऑन सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन SCM. है ना, दिस इज अ बेंचमार्क. सो इसको हर कोई फॉलो करता है, इंडिया ने भी फॉलो करा इसलिए मीडिएशन एक्ट लेके आया. एंड इंडिया सेज कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन को हम क्लोजली फॉलो करेंगे, अडेप्ट करेंगे सो दैट इंडिया ऑल्सो गेट्स द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. ठीक है, अब वो क्यों ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, एक अलग स्टोरी है, कभी बाद में बात करेंगे. यहाँ पे मीडिएशन एक्ट की बात करें तो उसने मीडिएशन को डिफाइन करा है बेसिकली प्री लिटिगेशन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है. बस उसका मतलब ये है कि इट शुड एक्सप्रेस मीडिएशन. पार्टी यहाँ पे अमिकेबल सेटलमेंट के लिए रीच करेगी वाया द असिस्टेंस ऑफ थर्ड पर्सन रिफर टू एज मीडिएटर. वॉलेंटरीली प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या है, तो अगेन केस फाइल होता है, फिर वो प्रेजेंट करने जाते हैं तो ये बोल रहा है कि उसके पहले ही सिविल या कमर्शियल डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के थ्रू हम सेटल कर सकते हैं. कुछ क्राइम्स है जिनको हम मीडिएट नहीं कर सकते. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल जो आपके क्रिमिनल एक्ट्स है उनको आप नहीं कर सकते हो. राइट, फॉर एग्जाम्पल हरासमेंट, ये सब जो केसेस हो गए आप इनको मीडिएट नहीं कर सकते. देन यू हैव माइनर्स या पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट, उनके केसेस को आप मीडिएट नहीं कर सकते. एंड फाइनली जो थर्ड पार्टी के राइट को अफेक्ट कर रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन डॉन वन एंड डॉन टू बट इट इज इम्पैक्टिंग एक्चुअली द राइट ऑफ अ कॉमन सिटीजन वन. राइट, सो ऐसे केसेस में आप उसको मीडिएट नहीं कर सकते बिकॉज थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करा जा रहा है. टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो टेरिटोरियल मतलब क्या रहता है, वो एरिया या वो स्फीयर जहां तक आपका मीडिएशन जा सकता है. सो जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का है वहां तक ही मीडिएशन रहेगा. मतलब क्या हुआ, सिंपल एग्जांपल से समझना, कोई छोटा खत्री या कोई एक्स वाई जेड पर्सन आके आपका मीडिएशन नहीं कर सकता. राइट, बिकॉज वो गन पॉइंट पे कर रहा है. तो सिमिलर मेथड में वो बोल रहा है कि जो भी आप मीडिएशन करोगे वो कोर्ट के प्लेस पे, दैट इज नियर हाई कोर्ट या इन द क्या बोलते हैं एरिया ऑफ हाई कोर्ट, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू कैच द वर्ड. राइट, बट जो उसका सेटलमेंट रहता है, राइट, उसके अंदर ही आपको या तो इसको टाइप करा के वहां पे प्रिंट करा के बोलना है कि मीडिएशन हो गया. और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो लाइक जूम मीटिंग्स, आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड कोडिफाई करना पड़ेगा. एंड देन टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन, तो विद इन 120 डेज यहाँ पे देखे रखा है. ये जो एक्स्ट्रा 16 डेज है, दिस इज अ कन्वेंशन विच इज फॉलोड इन एवरीवेयर. सो एक मिनट, एम आई ऑडिबल, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा ज्यादा, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर नॉइज ज्यादा आना शुरू हो तो. ठीक है,
तो मैं बोल रहा था कि ये जो 60 डेज है ये एक कन्वेंशन सॉर्ट ऑफ है, तो अगर आप हाई कोर्ट में पढ़ोगे तो हाई कोर्ट भी दे बोलेगा कि मुझे एक्स वाई जेड डेज तक इसको रिजॉल्व करना है, बट इन द केस ऑफ स्पेशल एक्सटेंशन देयर वुड ऑलवेज बी 90 डेज, राइट। तो यहाँ पे 60 डेज है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन देख रखी है, ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं है उसको देखना। एक मेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगा एंड देयर वुड बी सर्विस प्रोवाइडर्स, हमने बोला ना थर्ड पार्टी रहेगी जो असिस्ट करेगी, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, अगेन उसको कहीं ना कहीं से वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एंड ये सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा, एमसीआई, राइट। सो इट इज लाइक सीए, सीए हर कोई नहीं बन सकता, भले आप पढ़ाई कर लो या आपको टैक्सेशन लॉस पता हो, जैसे यहाँ पे एस्पिरेंट्स उनको टैक्सेशन लॉ बहुत अच्छे से पता है, बट दे कांट बिकम सीए अनटिल अनलेस दे गिव द एग्जाम एंड गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम आईसीएआई, राइट। देन वी हैव कंडक्ट ऑफ कम्युनिटी मीडिएशन, सो जो डिस्प्यूट्स है, राइट, अगर वो ऐसे है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट सोसाइटी, ऐसे में देयर कुड बी अ पैनल ऑफ 3 मीडिएटर्स, सो दैट अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ एक अच्छा अच्छे से हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाए। अब एनफोर्सेबिलिटी क्या है, अब वर्डिक्ट आ गया उसको चैलेंज तो करी जा सकता है, सो दैट वुड बी विद इन 90 डेज। सेकेंड, अगर जो मीडिएशन हुआ है उसमें बाद में हम निकाले कि देयर वर फ्रॉड करप्शन या इम्पर्सनेशन, इसका एग्जांपल है वो जो जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड चला था, तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि देयर इज देयर आर सम पर्संस हु आर फाइटिंग फ्रॉम लेट्स से जॉनी डेप साइड, क्यों, अगर आपने डिनर करा है जॉनी डेप के साथ कहीं ना कहीं पे यू हैव रिलेशंस विद हिम, एंड बिकॉज यू हैव रिलेशंस विद हिम कहीं ना कहीं यहाँ पे आइदर यू आर नॉट फिट फॉर मीडिएशन बिकॉज यू हैव पर्सनल relations with the actor himself, yeah, you are frauding, you are fraudulent for the other party, right? So ye hai mediation settlement ke kuch basics, theek hai. Ab hum chalte hai